जो बात करते हैं IRFC लिमिटेड की, 22 रुपए 23 रुपए का स्टॉक हो चुका है हमारा, 1.5 से 2% की रैली यहां पर देखने को मिली है। एक अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट लगातार न्यूट्रल जोन में बना हुआ है। खबर हमारे सामने कई सारी है, बात करेंगे खबरों की, बात करेंगे IRFC में आगे के टारगेट्स की, करना क्या है, जो लोग लॉस में है उनको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, क्या लेकर के चले IRFC में, क्या खरीदारी करें या फिर बेच दे स्टॉक एज सून एज द लॉस रिकवर्स, करना क्या है, वो सारी बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें IRFC की, 23 रुपए का स्टॉक है, 40 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है। छोटा स्टॉक है बट उसके बावजूद भी जो वॉल्यूम आता है वो बहुत गजब का आता है। तो स्टॉक छोटा हो सकता है बट पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा है, जो एक पोटेंशियल है कंपनी का वो बहुत अच्छा, और इसी के ऊपर ही खरीदारी करने को बोला था मैंने। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, कुछ लोगों ने बोला था कि बुक रिकमेंडेशन स्टार्ट करो दोबारा से, तो डिस्क्रिप्शन में एक बुक का लिंक है, बुक का नाम है 7 सीक्रेट्स टू इन्वेस्टिंग लाइक वॉरेन बफे। वॉरेन बफे की तरह इन्वेस्ट करने के 7 सीक्रेट्स बताए गए हैं इस किताब में, मैरी बफे ने लिखी है किताब, तो काफी अच्छी बुक होने वाली है, आसान भाषा में लिखी गई है तो आपको समझ में आएगी अच्छे से, और बहुत बढ़िया किताब है, तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इससे कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से स्टॉक को बाय करना है, कब बाय करना है, कब निकलना है, बेचना कब है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन यू नीड टू टेक, तो वो उसके बारे में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। अब बात करते हैं IRFC की, प्रमोशन नहीं है, रिकमेंडेशन है, खरीदना हो खरीदो, सीखना हो सीखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी चार्ट की बात करो, चार्ट हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है, मॉर्निंग में वैल्यू वॉल्यूम आया था और उसके बाद तेजी देखने को मिली और वहीं पर मेंटेन किया है स्टॉक ने अपने आप को, गिरावट नहीं हुई है, तो यानी कि स्ट्रांगनेस तो है, स्ट्रेंथ तो है स्टॉक में, इसमें कोई दो राय नहीं है। IRFC में पिछले दिनों में मैंने आपको फंड रेजिंग को लेकर के काफी बड़ी खबरें बताई थी, बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है। मार्केट के साथ साथ आपको देखना होगा कि IRFC इंडियन रेलवे का स्टॉक है हमारा, और रेलवे अभी बंद है, रेलवे के जो हालात हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा ना कि स्टॉक कैसा चलेगा। अगर कंपनी ही बंद है आपकी तो स्टॉक कैसे बढ़ सकता है आपका, है ना, स्टॉक में तो गिरावट ही होगी, स्टॉक तो न्यूट्रल जोन में ही बना रहेगा, तो एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर द कोरोना टू एंड, तभी आपका जो IRFC है वो अच्छे स्टॉक में अच्छी रैली आ सकती है, बट स्टिल पोटेंशियल है कंपनी के पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने बाइंग कर रखी है तो होल्ड करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी, ठीक है। बात कर लेते हैं कुछ लेवल्स की, तो 21 रुपए 80 पैसे का सपोर्ट आपके सामने यहाँ पर बरकरार है और इसको लेकर के ही आपको बने रहना है बाजार में। 23 रुपए 75 पैसे का हमारा पहला टारगेट होने वाला है यहाँ पर, ये लेवल्स आपको नहीं भूलना है। लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है हमारा, जैसा मैंने पहले भी बोला था, 32 रुपीज का हमारा टारगेट है यहाँ पर IRFC को लेकर के, और स्टॉक हमें 32 रुपीज ला करके देगा भी अगर आप वेट करते हो तो। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको वेट तो करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, कोविड को एंड करने होने का वेट करना पड़ेगा, रेलवे को दोबारा से वर्किंग में आने में वेट करना पड़ेगा, और IRFC को दोबारा से काम करने में वेट करना पड़ेगा। काफी बड़ी यहाँ पर फंड रेजिंग हुई थी जिसके बारे में बताया था, उसके बाद बड़ी रैली अब आई है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, एक आध हफ्ता हो गया मैंने उस खबर के बारे में आपको इन्फॉर्म किया था, अच्छी रैली आएगी, देखो वेट करोगे तो अच्छी रैली आएगी, और IRFC बुरा स्टॉक नहीं है। जो लोगों को डर लग रहा है, जिन लोगों ने मैसेजेस किए हैं, प्लीज डोंट बी इन पैनिक मोड, बेचना नहीं है स्टॉक को, होल्ड कीजिए, खरीदारी नहीं करनी है बट स्टिल बेचना नहीं है, ठीक है। तो होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी, टेक्निकल्स ठीक ठाक है, 64 का हमारा RSI है। MACD की बात करें तो MACD भी बुलिश जोन में है हमारा, एक अच्छा टेक्निकल पैटर्न है, फंडामेंटल्स ठीक ठाक है कंपनी के, खरीदारी मत करो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, रेलवे की स्थिति खराब है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, यही एक कारण है बस और कोई नहीं। पोटेंशियल है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर खरीदारी करना चाहते हो 5 साल 10 साल के, तो अच्छा स्टॉक है, 5 to 10% पैसा ही इस स्टॉक में लगाना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। होल्ड करने की सलाह है, वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जाइए 7 सीक्रेट्स टू इन्वेस्टिंग लाइक वॉरेन बफे खरीदिए, पढ़िए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, मार्केट में कब एंटर होना है कब नहीं, अगेन प्रमोशन नहीं है, रिकमेंडेशन है, पढ़ेंगे तो काफी कुछ सीखेंगे। अगर आपको लगता है आपको सब कुछ आता है, देन डोंट डोंट बाय द बुक। चलिए, थैंक यू।